भूल तो नहीं गया हमें। शहर क्या बुलाता है हमको? ये जो वीडियो है आपको दो पार्ट में देखने को मिलेगा, जहाँ पर पहला पार्ट जो है वो टेक्निकल मूवी पर रिलीज हुआ और दूसरा पार्ट जो है टेक्निकल मूवी एक्स्ट्रा पर रिलीज होगा। तो आप अगर इस वीडियो का पहला पार्ट देख ले तो दूसरे पार्ट को जरूर देखिएगा, क्योंकि दूसरे पार्ट में आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो है देखने को मिलेगा जो आपको टेक्निकल मूवी एक्स्ट्रा देखने को मिले। चलिए इस वीडियो का पार्ट वन को शुरू करते हैं। बहुत सारे लोगों ने मिर्जापुर सीजन 3 देख लिया हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है मिर्जापुर सीजन 3 चार साल से वेट कर रहे हैं। फाइनली अमेजॉन प्राइम की तरफ से 5 जुलाई 2024 को मिर्जापुर सीजन 3 रात के 12 बजे रिलीज कर दिया गया था। उसके बाद जो है बहुत लोगों ने मिर्जापुर सीजन 3 देख लिया, लेकिन कमेंट करके मैं सुन पूछ रहे थे कि मिर्जापुर सीजन 3 में बहुत सारी कहानी जो है वो आधा अधूरा छोड़ गया, और यहाँ पे इसकी कहानी जो इंड हुई वो सीजन 1 के साथ हुई है। जैसा आपको सीजन 1 में इंडिंग देखने को मिला था, वैसे आपको मिर्जापुर सीजन 3 में देखने को मिलेगा। बहुत से लोग जो है मेरे से सीजन 4 के बारे में पूछ रहे थे कि आखिर जो कहानी बच गई है मिर्जापुर सीजन 3 में, हम लोग को सीजन 4 में कब देखने को मिलेगा, और हम लोग को अमेजॉन प्राइम और एक्शन एंटरटेनमेंट और एक्शन मूवीज की तरफ से मिर्जापुर सीजन 4 कब देखने को मिलेगा। उससे जैसा आपको बता दूं, कोई भी सीरीज होती है चाहे वो नेटफ्लिक्स की हो या अमेजॉन प्राइम की हो या डिज्नी प्लस हॉटस्टार की हो, उसको बनने में कम से कम 1.5 से 2 साल का वक्त लगता है। मिर्जापुर सीजन 4 या मिर्जापुर जैसी वेब सीरीज के बारे में, तो ऐसी सीरीज को बनाने वाली जो प्रोडक्शन कंपनी होती है जैसे अमेजॉन प्राइम हो गया या एसएल मूवी या एसएल एंटरटेनमेंट हो गया, तो वो जो है पहले देखती है व्यूअर्स कि मिर्जापुर सीजन 3 या कोई भी पार्टिकुलर जो वेब सीरीज रिलीज हुई है उसका जो है व्यूअरशिप कैसा है, आउटपुट कैसा है। तो उसके बाद ही जो है मिर्जापुर सीजन 4 पे इस सीरीज के अपकमिंग स्पिन ऑफ पे या इसकी अपकमिंग कैरेक्टर के स्पिन ऑफ पे वेब सीरीज जो है आपको देती है या बनाने का सोचती है। जैसा मैं आपको बता देता हूँ कि मिर्जापुर सीजन 3 जो है 5 जुलाई 2024 को रिलीज हुआ है, तो उससे जो है अमेजॉन प्राइम और एसएल मूवीज और एसएल एंटरटेनमेंट जो है 2 से 3 महीना देखेगी इसका रनिंग कैसा है अमेजॉन प्राइम पे, तो उसके बाद ही जो है डिसीजन लेगी इसका जो है मिर्जापुर सीजन 4 बनाना है या मिर्जापुर सीरीज के कैरेक्टर पे स्पिन ऑफ बनाना। तो इसका जो सारा जो दारोमदार है वो मिर्जापुर सीजन 3 के व्यूअरशिप को कैसा है और कितना परफॉर्मेंस दिखाती है आने वाले 2 से 3 महीनों में एसएल मूवीज और एसएल एंटरटेनमेंट को और अमेजॉन प्राइम को। तो मैंने आपको बताया कि मिर्जापुर सीजन 4 जो है कैसे आएगा और कब तक आ जाएगा ये भी बता देता हूँ। अगर 2 से 3 महीनों में मिर्जापुर सीजन 3 का व्यूअरशिप अच्छा होता है तो मिर्जापुर सीजन 4 जो है या तो 2026 के बीच में या तो 2026 से लास्ट मिर्जापुर सीजन 4 जो है देखने को मिलेगा। अगर नहीं मिर्जापुर सीजन 4 आया तो मिर्जापुर सीरीज के कैरेक्टर पे हम लोग को स्पिन ऑफ सीरीज जो है जरूर देखने को। इस वीडियो को पार्ट 2 का लिंक वीडियो और दूसरा जो टेक्निकल मूवी एक्स्ट्रा चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस वीडियो को शुरू कर दिया और पार्ट 1 देख लिया है तो आप पार्ट 2 जरूर देखें, उसमें आपको कुछ फायदा मिलेगा और कुछ और भी जानकारी जो छुपी हुई है पार्ट 1 को लेकर और पार्ट 2 को लेकर वो आपको पार्ट 2 वाले वीडियो में देखने को मिल जाएगा। आई होप आप लोग समझ जाएंगे कि मिर्जापुर सीजन 4 हम लोग को कब देखने को मिलेगा या मिर्जापुर सीरीज के स्पिन ऑफ हम लोग को कब देखने को मिलेगा। सारे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल टेक्निकल मूवी को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।